सांवरिया, हुई मैं बावरिया, देखो रे सांवरिया, हुई मैं बावरिया। ओ धीरे धीरे हौले हौले से ओ पिया मोरी चुने। बात कहूं तुमसे? कहो। कितने फोन किए तुम्हें, कितने परेशान थे हम तुम्हारे लिए। ये लैला क्यों आई है तुम्हारे साथ? इसे तो रिजवाना ने घर से निकाल दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं नहीं मानती इस सच्चाई को। अभी निकालो चुड़ैल को। क्या कर रही हो? बीवी हो के ऐसा कैसे कर सकती हो? बीवी हूँ, बीवी हूँ ना तुम्हारी, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ईमान छोड़ो मेरा, होश में आके बात करो। कैसे होश में आ जाओ? मैं मेरा होश आवाज सब कुछ तो तुम छीन चुके हो। इतना बड़ा जुल्म किया तुमने मेरे साथ आशिक। अरे आशिक, ये क्या किया है तूने? दो कम थी जो तीसरी ला के हमारे सर पे बिठा दी। अरे तो कौन सा गुनाह कर दिया है? शादी की है मैंने इसे, कोई गुनाह नहीं किया है। शादी तो जैसे कोई खेल है ना, और तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो बोलो शहनाज। मैं क्या बोल, मेरे बोलने के लिए राय कुछ बाकी? अरे इस मिसनी को देखो, आज कैसे खामोश खड़ी है आग लगा के। हाजी, जो भी बात करनी है मुझसे करे, लैला का कोई कसूर नहीं। अरे बड़ा आया लैला का चाहिए था है? हाँ तो मैं कर रही हूँ ना तुमसे बात, अभी इसी वक्त से तलाक दो, निकालो इस घर से। पागल हो गई हो क्या? तलाक दे, इसलिए शादी करके लाया हूँ कि घर में ला दी, तलाक दे के निकाल दूं बाहर। हाँ पागल हो गई हूँ मैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इसे तलाक देकर रहोगे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? शहनाज भी तो तुझे बर्दाश्त करती है। क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? कहाँ जा रही है अब, कहाँ जा रही है? ये बात सुन, क्या कर रही हो तुम रिजवाना? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। चलो रिजवाना छोड़ो मुझे। चलो यहाँ से, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। मुझे मारा, मुझ पे हाथ उठाया तुमने? हाँ, कान खोल के सुन ले मेरी बात, इसको तस्लीम कर ले अब चुप करके, वरना और दूंगा रख के। नहीं करूंगी तस्लीम। क्या करोगे तुम? क्या करूंगी? नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया, खबरदार जो अब हाथ उठाया तुम अंदर चलो रिजवान, तमाशा बना के रखती है। ये लो, जाओ घर में, सब समझ जाएगा। जाओ जाओ जाओ, मैं हूं यहां पे। क्या हुआ? किन सोचा मैं बना? आज आप दुकान से जल्दी आ गए? हाँ, वो दुकान में दिल भी नहीं लग रहा था और काम भी नहीं था। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अमीना से बात हुई थी मेरी। कैसी है वो? कुछ नहीं है वो, पता नहीं अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रही है, उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिल बेचैन हो रहा है।
शौकत अली बहुत जुल्म करता है उस पर। जब से शादी हुई है एक बार भी अम्मा से मिलने घर नहीं गई है। अब तो मां भी बनने वाली है। तुम परेशान ना हो, पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने शौकत के साथ उसकी शादी क्यों कर दी। एक काम क्यों नहीं करती हो तुम, अम्मा को सब कुछ बता क्यों नहीं देती। अम्मा को कई बार फोन किया मैंने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। हर बार फोन करती हूँ, सिर्फ उनकी आवाज सुनती और फोन बंद कर देती। देखो तुम बिल्कुल परेशान ना हो, एक काम करो, सब कुछ अम्मा को साफ साफ क्यों नहीं बताते थे, अपने लिए ना सही, अपनी बहन के लिए। आप ठीक कह रहे हो। आपके लिए खाना लाऊं? भूख नहीं है। एक काम करो, अच्छी सी चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। अरे आशिक, तू कितना बड़ा बेवकूफ निकला। अरे तुझे इश्कबाजी करनी थी तो करता रहता, मगर यूं लैला से शादी ना करता। माजी मैं क्या करता, मुझे मोहब्बत हो गई लैला से, सच्ची बात। रहने दे रहने दे, तेरी सच्ची मोहब्बत बहुत देखी है मैंने। अभी कुछ साल पहले भी तो तुझे सच्ची मोहब्बत हो गई थी रिजवाना से, उससे भी शादी कर ली। माजी आहिस्ता बोले, कम से कम आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। क्यों साथ दूं? जब मैं तुझसे पूछती थी लैला के बारे में तो तू टाल मटोल करता था, अब भुगतो। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे लैला बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी मैं आपको भी एक बात बता दूं, अब आपको वो पसंद है या नहीं है, आपकी बहू है और इसी घर में रहेगी बस। सोच भी नहीं सकती थी कि आशिक मेरे साथ ऐसा करेगा। उसने उस कमीनी से कैसे शादी कर ली। मत रो रिजवान, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को कबूल कर ले, वो भी उसकी बीवी है। इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो? तो फिर क्या करूं? कुछ भी हो जाए शहनाज, शहनाज हमें आशिक को मजबूर करना होगा कि वो लैला को छोड़ दे। वो उसे नहीं छोड़ेगा रिजवाना, अभी उसमें नया नया इश्क का भूत सवार है। मैं उसे जानती हूं, मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत, और उसकी सजा मुझे मिल गई है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं लैला को इस घर में ले आई थी। मेरी सहेली होकर वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जी अंदाजा है मुझे कि बड़ा दुख हुआ होगा तुम्हें। क्या करता हूँ, मोहब्बत हो गई लैला से। मोहब्बत तो तुझे रजवाना से भी थी। हाँ हुई थी, पर अब तो लैला से शादी हो गई,
जान जी, वो तो अब इसी घर में रहेगी ना। ये मेरा घर है, मैं मजीद और सौतने बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। तुम्हारा घर है तुम्हारा घर, मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे। तेरा है, तेरी बीवियों का नहीं। जान जी, शादी हुई है उससे। नहीं नहीं, शादी है, अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। जैसे तेरी मर्जी। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मेरा दिल पत्थर का हो गया है, मुझे जाना है ना, चला जा, लेकिन अपनी लैला को लेकर जा। एक बात कान खोल के सुन ले, जैसे तू मेरी बीवी है वैसे रिजवाना और लैला भी मेरी बीवी है, जैसे तुम लोग इस घर में रहते हो वैसे ही वो भी अब इस घर में रहेगी। देखता हूं मैं कौन किसको निकालता है। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना अब यहां। शहनाज़ सब बर्दाश्त कर सकती होगी, मैं नहीं कर सकती। का जो दिल चाहता वो इस घर में वो ही करता है, ये तो कोई औकात ही नहीं। देख लेना वार्षिक, मुझे मर भी रहूंगा फिर भी मैं बात नहीं करूंगी इससे। समझता क्या है मुझे? लैला से भी मैंने मट लूंगी, मेरे साथ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। के दावे करता था मुझसे, कहती थी सिर्फ मुझसे ही प्यार है, कोई प्यार नहीं उससे, कोई प्यार नहीं मुझसे। अरे मुबारक हो सुसर मियां, मुबारक हो नई शादी की भाई। अरे इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है सुसर साहब, और इस नई शादी की खबर तो पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई है। और वैसे भी हम पुलिस वाले होते किस लिए हैं? इसलिए तो होते हैं कि सब पे नजर रखें भाई। हाँ अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को या तुम्हारी बेटी को खबर देने तुम्हारी शादी के बारे में। वो बेचारी बोली तो सोच रही थी कि मेरा अब्बा अब्बा कब आ रहे हैं उसे जहन्नम से निकालने के लिए, लेकिन उसे क्या पता कि उसके अब्बा को इश्क लड़ाने से फुर्सत कहाँ मिल रही है कि अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचे। मैं चला उसे बताने। और हाँ सुनो, एक गाना है सिंधी में बड़ा मशहूर भैया, वो तुम पर बड़ा सूट कर रहा है। आशिक मजबूर आशिक मजबूर चाहे खड़ी के रोजी कंधार तो न मुझे, अरे गाल में गाने के बोल समझ में तो आ ही जाए। बैग उठा के कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ इस घर से, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या पागल हो गई है? कोई इस तरह अपना घर छोड़ के जाता है? ये मेरा घर नहीं है, दम घुट रहा है मेरा यहाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्यों बेवकूफी कर रही है रिजवाना, उसे खुला मैदान दे के जा रही है। अरे यहाँ रह के उस चुड़ैल के साथ मुकाबला कर। नहीं अम्मा माफ कर दो मुझे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का मुकाबला कर सकूं। जा रही हूँ मैं यहाँ से अब। अरे किस चीज का शोर है भाई, क्या हो गया, फिर लड़ना शुरू हो गए? और देख आशिक ये घर छोड़ के जा रही है। क्या कह रही है माँ जी? ये बैग चलो अंदर आओ, खामोशी से फिर बैठ के बात करेंगे। चलो छोड़ो मुझे, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। और अगर तुम बाकी चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो लैला को यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब तो नहीं हो सकता, ये बीवी है वो मेरी, इस तरह की हरकतें करके ना तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सोच समझ के कदम उठाना।
क्योंकि एक दफा तुम कहीं ना तो फिर कहीं मैं नहीं आऊंगा मनाने। रिजवाना सोच ले, रिजवाना भाड़ में जाए। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? अरे हमारे ससुर ने तीसरी शादी कर ली है भाई। क्या बक रहे हो? अरे बक नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। अरे अरे तुम तो उदास हो गए भाई। हाँ भाई होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने जो अपने अब्बा के साथ उम्मीदें लगा रखी थी अब उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वो तीसरी बीवी के साथ इश्क लड़ाने मसरूफ हो गए हैं मासूम। अब उसके बाद तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं रहा। क्या हुआ, किस बात का शोर था? घर छोड़ के चली गई। क्यों, कब? किसी ने रोका नहीं? जान जी मैंने रोका था पर वो नहीं रोकी। तो उसके पीछे जाते, उससे मना कर ले आते। बड़ी अनहती हो रही है तुम्हें उससे? तुम्हारी सौत है वो। हाँ है सौत, पर इस वक्त मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। तुम नहीं समझ सकते इस दुख को। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, इस बात को हवा बना लिया है कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। दुनिया के सारे मर्द करते हैं, क्या हो गया? तुमसे बात करना फजूल है आशिक, मैं खुद जाके देखती हूँ रिजवाना को। ये देख रहे हैं क्या मोहब्बत जागी है दोनों। उठाया फोन उसने? नहीं भाई नहीं उठा रही ना। उठाए बाहर में जाए, अच्छा है थोड़े दिन घर में सुकून रहेगा। मनाने तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। मनाने जाती है मेरी जूती, उस औरत को आने तो खुद आए, वरना बैठी रहे अपने अम्मा के घर में। बहुत नखरे उठा लिए मैंने इसके। नखरे तो तुझे ही उठाने पड़ेंगे, अरे इतनी शादियां की है तो निभाना तो पड़ेगा ना। अरे भाई किसका मैसेज है? लैला का है, कह रही है क्या हुआ क्या हो रहा है, बुला रही है मुझे, अकेली घबरा रही होगी बेचारी। वो घबराने वालों में से नहीं है, वो तो घबराहट डाल देती है दूसरों को। माँ जी खुदा का वास्ता है आपको, ऐसी बातें मत किया करे, मासूम सी औरत है बेचारी, पीछे ही पड़ गई है आप तो। चलो मैं आता हूँ जरा उसकी बात सुन। मासूम। हेलो, क्या मुसीबत है, बात क्यों नहीं करते? अम्मा
ताका जांगी। मैं तो ऐसी बस बाहर देख रही थी। देखो इस तरह की औरतें जो घर से बाहर ताका जांगी करते हैं ना, लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। अब आइंदा ऐसी हरकत मत करना। देखो तुम एक शरीफ आदमी की बीवी बन चुकी हो, समझी? अब जा जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय की प्याली ला के दे। मेरा बस चले तो गर्मा गर्म चाय की प्याली तुम्हें मुँह पे खा। कुछ बोली? नहीं। सलमान ये देखो, ये हमारे अब्बा का दिल है। और तुम्हें पता है इस दिल के अंदर और तीन दिल है, ये हमारी अम्मा का, ये रिजवाना का और ये नीचे वाला लैला का। ये रिजवाना को ना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसे लगा होगा कि उसके जाने से आशिक को कोई फर्क पड़ेगा। ए है, ये लड़की तो बड़ी तेज निकली है, इतनी जल्दी अपने जाल में फंसा लिया मेरे बच्चे को। हम सिर्फ लैला को ही क्यों इल्जाम दे, आशिक ने चाहा था उसे, छुपाया क्यों? अरे मेरा बच्चा तो नादान है, लोगों की चिकनी चोपड़ी बातों में आके फंस जाता है। आप ये इसलिए कह रही है ना कि वो आपका बेटा है? अरे मेरा आशिक आ गया है, अरे तुझे इजाजत दे दी लैला ने हमारे पास आने की? कैसी बातें कर रही हो माँ जी, लैला बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रिजवाना से बात हुई? मुझे नहीं करनी बात उससे। और सुनो ये बताओ खाने में क्या? कुछ नहीं बना खाने में। क्या मतलब कुछ नहीं है खाने में? मुझे और लैला जी को भूख लग रही है, कुछ बना के दो। चलो हम तुम्हारे और तुम्हारी लैला के नौकर नहीं है। अपनी नई नवेली दुल्हन को कहो बनाए तेरे लिए खाना। ये क्या बातें कर रही हो तुम? नई नवेली दुल्हन भी कह रही हो और कह रही हो कि वो खाना बनाए। माँ जी याद कराएं जरा इसे, जब ये आई थी ना पहले मीठा मीठा बनाया था फिर खाना बनाया था, उसके साथ भी यही रस्में होंगी, समझ रही हो? चलो जल्दी बनाओ। हैं कहाँ वो लैला जी? कहाँ हो जान जी? अरे जा ना, जाके बना दे खाना और दे दे उसको। सारी मुसीबत तो मेरे लिए है ना। आया है, इसको भी गुस्सा आने लग गया।
हेलो, क्या मुसीबत है, बात क्यों नहीं करते? अम्मा, शुमैला, शुमैला, मेरी बच्ची, कहाँ है तू? आंखें तरस गई है तुझे देखने के लिए। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आप कैसी हो अम्मा? तुम्हारे बगैर मैं कैसी होगी? क्यों किया तुमने ऐसा? इतने दिनों तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? ये भी कोई कहने की बात है अम्मा, मुझे हर पल तुम लोगों की याद आती है। तू घर आ जा मेरी बच्ची, मैं तेरे अब्बा से बात करूंगी। नहीं अम्मा, उस घर में अब मुझे कभी वापस नहीं आना, वो घर नहीं जानू मैं जहां पर हूं बहुत खुश हूं, मेरे लिए दुआ करना अम्मा। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ, तुम और समीना हमेशा खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए? अम्मा समीना खुश नहीं है। खुश नहीं है? क्या मतलब, वो तो माँ बनने वाली है। हम इतनी दफा गए उसे मिलने के लिए पर वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। अम्मा शौकत अच्छा आदमी नहीं है, वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे बहुत मारता पीटता है वो। ये क्या कह रही हो शुमैला, तुम्हें किसने बताया? मुझे समीना का फोन आया था, शौकत से छुप के फोन किया था उसने। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता, वो शौकत आप लोगों से उसे मिलने नहीं देता। ये तुमने क्या बता दिया, समीना इतनी तकलीफ में, आशिक को बोलती हूँ उसे ले आए घर। अब्बा समीना की हालत के बारे में सब जानते हैं अम्मा। क्या, ये क्या कह रही? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया। अम्मा रो मत, मत रो अम्मा। रो नहीं तो और क्या करूं, अल्लाह ने मेरे नसीब तो बुरे बनाए थे पर मेरी बेटी के ऐसे नसीब। आज मैं आशिक से तो टोक बात करूंगी। लैला, लैला जान, आ चली गई जान जी। लैला, अरे भाई कहाँ हो लैला? लैला, मैं पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूं और तुम यहां बैठी हुई हो, क्या हुआ, खैरियत? हाँ बस यूं ही, मैंने सोचा रिजवाना तो घर पे है नहीं, तो क्यों ना रात इस कमरे में गुजारी जाए, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? नहीं, क्या इतराज होगा मुझे, जहां दिल करे वहां पे रहो, जब आशिक तुम्हारा है तो ये घर भी तुम्हारा है ना। हाय अल्लाह, इस तरह से इस वक्त कौन खटखट आ रहा है? रिजवाना तो नहीं वापस आ गई? मैं देखता हूँ। कौन कौन? हाँ? कमरे में आओ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। ऐसी क्या जरूरी बात है, सुबह कर लेंगे। अभी आओ। लैला इंतजार कर रही है। फाड़ में गई तुम्हारी लैला, अभी आओ कमरे में। हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। जान जी,
जान जी क्या हो गया? मैंने तुम जैसा खुद गर्ज इंसान जिंदगी में नहीं देखा। बीवियों को तो छोड़ो, तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं रही। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने समीना की हालत मुझसे क्यों छुपाई, ये जानते हुए कि वो एक अजाब में जिंदगी गुजार रही है? क्या किया तुमने उसके लिए? जवाब दो, क्या किया तुमने उसके लिए? क्यों नहीं लेकर आए उसे वापस? किसने बताया तुम्हें? मुझे जिसने भी बताया, तुम जवाब दो। मैं गया था शौकत के पास, बहस हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो धमकियां भी दे रहा था मुझे। और तुम डर गए? किस किस्म के इंसान हो तुम? अगर तुम नहीं कर सकते थे तो मुझे बता देते, मैं ले आती समीना को। मुझे समीना ने मना किया था तुम्हें सब कुछ बताने से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचे। तेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म करता होगा। फोन भी अपना यहीं छोड़ के चला गया। अच्छा सुनो, परेशान मत हो, मैं लेकर आऊंगा समीना को किसी भी तरीके से। अच्छा, वो कैसे? वकील से बात करूंगा, बस ये जरा मसरूफियात है, जरा ये कौन सी मसरूफियात? तुम्हारी शादी की? शर्म करो, शर्म। अरे अच्छे शौहर तो थे नहीं तुम, कम से कम अच्छे बाप ही बन जाते। जैसा खुद गर्ज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसकी औलाद इतने बुरे हालात में हो और उसका बाप शादियां करता फिर रहा हो, इश्क लड़ा रहा हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, निकल जाओ यहां से, जाओ ऐश करो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद ले आऊंगी अपनी समीना को। जान जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ले आऊंगा समीना को। तुम्हें खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अम्मा से बात हुई है आज। अरे ये तो खुशी की बात है ना, और तुम रो रही हो? इतने दिनों से अम्मा को नहीं देखा है मैंने। अच्छा तुम रोना बंद करो। अच्छा इधर देखो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेके चलूं। कैसी तबीयत है? अच्छा उनकी ठीक है।
तमीना के बारे में बात की थी? की थी तमीना के बारे में बात? क्या कह रही थी? परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा, रोने लगी थी बहुत। बहुत तरस आता है, जिंदगी भर उन्होंने तकलीफें उठाई हैं, कभी खुशी नहीं देखी, हमेशा गम ही देखा है। अरे तुम रोना तो बंद करो, रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। जाओ चल जाके मुँह हाथ धो के आओ। चलो शाबाश, अब चाहो भी चलो, कम ऑन कम। अरे आशिक, इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया बेटा? बहुत बेचैनी है माँ जी, सारी रात सो भी नहीं सका। अब किस बात की बेचैनी है? समीना बहुत परेशान है माँ जी। अरे क्या हुआ समीना को? अच्छी भली तो है वो अपने घर में। अरे कहाँ अच्छी भली है माँ जी, वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत जुल्म करता है उस पे। अरे ये क्या कह रहा है? ये बात शहनाज को पता है? मैंने तो छुपाने की कोशिश की थी कि उसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा, लेकिन पता नहीं किस कमबख्त ने उसे बता दिया। अब जब से उसे पता चला बस लड़े जा रही है मुझसे, झगड़े जा रही है। अब क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, वो तो धमकियों पे उतर आया कमबख्त। एक बात कहूँ आशिक, तू वो शौकत से ना बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लेना। अरे बहुत खतरनाक आदमी है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। अरे माँ जी वो तुम। वाह माँ क्या खूब कहा, अपनी औलाद को नुकसान से बचने की कितनी फिक्र है आपको, और वहां जो मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका क्या? अरे समीना उसकी बीवी है, तो जो मर्जी उसके साथ करे। पल्लू में छुपा के रखो अपने बेटे को, और ये चूड़ियां भी पहना दो, मैं खुद ही बचा लूंगी अपनी बेटी को। अरे क्या हो गया इसे? चूल्हे में डालो सबको, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो, मेरे बारे में। कौन सी पहली शादी है जो ये चोचले करते हुए अच्छे लगो? अम्मा मैंने शादी करी। वकील का कहा तो तुमने, जाना है पड़ेगा उसके पास। बीवी है तू मेरी, गुलाम है तू मेरी। मैं आशिक नहीं हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, और माँ अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।